दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाला हूं मैं। और 3 लाख 4 लाख रुपए में नौकरियां मिलती है, और एक ऐसी ही कहानी मेरे सामने आई है। अभी एक तमिलनाडु में हुआ है ये वाक्या। एक व्यक्ति जो फौज से रिटायर होने के बाद जब वो गांव में रहने लगे, तो वो सोचे कि क्यों ना हम गांव के लड़कों को, नौजवानों को कहीं पर नौकरी में लगवा दें, कुछ सेट करे कहीं पर कि बच्चा सब आगे बढ़े, भाई हमारा भी नाम ले। तो उन्होंने क्या किया ना कि उनके जो जान पहचान के कुछ लोग थे, जैसे होता है कि कुछ लोग को बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है, मंत्री से, नेता से, तो वहाँ एक मंत्री से वो मिले। और वहाँ जब वो गए तो उनके आसपास, मंत्री के आसपास जानते हैं कि चेला चमचे सबके होते हैं, तो उसी में किसी से मुलाकात हुई उनकी। और बहुत सारी जब वैकेंसी आती हैं हर विभाग में, तो लोग ये सोचता है कि रेलवे मिनिस्टर है तो उसका कोई आदमी है, उसका कोई रिश्तेदार है, वहाँ तक अगर हमारी पहुँच हो जाएगी तो हमें नौकरी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से वहाँ जो एक बंदा मिला उनको मंत्री जी के यहाँ, उसने कहा कि हम ऐसे ऐसे मंत्री जी से करवा के करवा देंगे, काम करवा देंगे, तो जान पहचान हो गई। और 28 नौजवान, मतलब एक ही जगह के 28 नौजवान जो हैं इस झांसे में आ गए, और झांसे में आकर उनको नौकरी दिया गया। और उन्हें लगा कि भाई अब हम नौकरी में जा रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रेनिंग में भी गया, और ट्रेनिंग क्या था, रेलवे में उनको कहा गया कि आपको टीटी बनाया जाएगा, ठीक ना, और टीटी बनाएंगे, लेकिन अभी एक महीना ट्रेनिंग चलेगी। एक महीना ट्रेनिंग में क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लेना है, रजिस्टर लेके और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रहना है, कितनी ट्रेन आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से, सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी दे दिया, कितनी ट्रेनें आई, कितनी कितनी उसमें डब्बे थी, तो बस यही काम करना था। और उस बंदे को एक महीने के अंदर ही पता चल गया कि उसको फर्जी तरीके से, और उसको ये भी बता दिया कि यहाँ पर आके ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है कि इतनी ट्रेन आई थी, इतने आज इसमें डब्बे थी, तो वो सारे रिपोर्ट वो लोग तैयार करते थे। और सबके कुल मिलाकर 2,67,00,000 रुपए लेकर वो बंदा उड़ गया। अब ये बेचारे फौजी जो हैं ये बीच में हैं, क्योंकि इन्होंने नौजवानों को कहा था कि चलो हम ऐसे ऐसे करवा देंगे, अब ये कह रहे हैं कि मैंने उस पर भरोसा कर लिया था और ये सारे तो मेरे गांव के लड़के ठगे गए, मैं भी ठगा गया। तो क्या होता है ना कि कभी कभी, मैंने हर बार कहा है कि शॉर्टकट ना दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको हम बता दें, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हमें जो है सो नौकरी बड़ा आसानी से मिल जाएगी, और खासकर जब बहाली आती है, कुछ वैकेंसी आती है, जैसे अभी मैंने बात किया कि अगर रेलवे में वैकेंसी आएगी तो आपको ये लगेगा कि भैया रेलवे के स्पेशल कोटा में कुछ रिजर्व होते होंगे सीट, अगर हमारा वहां तक पहुंच हो जाएगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो नेताजी के आगे पीछे रहते हैं, दाएं बाएं भी रहते हैं, कुछ को देखते होंगे कि एक दो फोटो किसी के साथ खिंचा लिया, किसी नेताजी के साथ, मंत्री के साथ, और फेसबुक पर डालते रहता है, प्रचार करते रहता है कि हम मिले, हम ऐसे किए, हम उनके साथ आज वहां गए, आज मीटिंग में बैठे। वैसे लोग से लोग संपर्क करने लगते हैं कि काश नेताजी के माध्यम से हमें नौकरी मिल जाए या मिल जाती। और वैसे लोग जब वैकेंसी आती है तो ऐसे नौजवानों को ढूंढते हैं, वो जो नेताजी के कुछ चमचे होते हैं, वो बनावटी चमचे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि नेताजी से ज्यादा संपर्क भी नहीं होता है, एक दो बार उन्होंने फोटो भी खींचा लिया होगा, कहीं भी किसी के साथ कोई खींचा लेता है तो लोगों को लगता है कि इसके साथ खूब उठना बैठना है, और ऐसे लोग कैंडिडेट खोज लेते हैं और ये कहते हैं कि हम जॉब लगवा देंगे। अब मान लो कि आपसे 10 लाख रुपए ले लिया गया जॉब के नाम पर कि रेलवे में लग जाएगी, 10 लाख रुपए आपने दे दिया, कल होके हो सकता है कि 3 साल 4 साल चलते रहता है पूरे जो वैकेंसी की प्रक्रिया होती है, ज्वाइनिंग होते होते 3 साल 4 साल रह गया। अब आपने तो पैसे दे दिए हैं, आपको लग रहा है कि ये नेताजी के बहुत करीबी हैं, वहां तो हमने पैसे दे दिए, अब ये मेरा हो ही जाएगा। फिर आगे चल के जब नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे पैसे के लिए। तो उसमें से क्या करेगा वो बंदा, सोचेगा कि भाई किसको इसमें से सबसे मेन कौन होगा जो हो सकता है कि हमें ना छोड़े, कुछ भी कर सकता है। वैसे बंदे को कहता है कि चलो हम आपका पैसा वापस करवाते हैं, अभी हुआ नहीं, कुछ सेटिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब 10 लाख में से मान लीजिए कि आपको 8 लाख रुपया वापस करवा दिया, बंदा तो खुश हो जाता है क्योंकि 10 लाख डूब रहा था और 3 साल 4 साल 5 साल
तक पैसा नहीं मिला, और फिर जब 8 लाख रुपया मिल रहा है तो सोचता है कि चलो कम से कम मेरा पैसा तो ऊपर हो गया। और जरा सोच के देखिए कि ऐसे काम अगर 50 लोगों के साथ किया गया, 50 कैंडिडेट के साथ, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, ऐसे करके तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो ऐसे फर्जी जो चिटपुटी या चमचा होते हैं, ऐसे चमचाओं से सावधान रहिएगा। और शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं है, आपके मेहनत के दम पर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जो आप कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। ये सब होगा आपके मेहनत के दम से होगा। तो आपको मेहनत करना चाहिए, ना कि इस झांसे में पड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसी चीजों में जब वो पड़ जाते हैं तो खुद वो मेहनत नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो हमारा नौकरी हो ही ना जाएगा, ये बहाली में हो ही ना जाएगा, आने वाला बहाली में हो ही ना जाएगा, हम तो पैसा दिए हुए हैं, हमारा हो जाएगा। और बाद में पता चलता है कि उनका पैसा भी गया। बहुत सारे गरीब किसान परिवार के बच्चे होते हैं, कहीं कहीं जमीन बेचकर वो पैसे दे देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आपके पैसे डूब जाते हैं और फिर आप कहीं के नहीं रह जाते। आप एक तो अपना समय बर्बाद कर लिए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि भाई मेहनत करके ही कुछ कर सकते हैं, और मेहनत करिए, पढ़िए। अगर आज आपको एक नौकरी लेना है, नौकरी लेना कौन एकदम बड़ा बात है, आदमी नहीं लिया है, आदमी ही नहीं लेता है, तो आप ले सकते हैं। मेहनत करिए, थोड़ा सा पढ़िए, अभी समय है। आपके SSC GD के लिए अभी चल रहा है, रेलवे का भी हुआ था एग्जाम। आप देखिए अब आने वाले समय में, अभी बिहार पुलिस में 75,000 की वैकेंसी आने वाली है। SSC GD के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई एकदम सस्ता हो चुका है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए कितना सस्ता हो गया है। अभी कल मैंने ऑफर दिया था, धुरीना पर जाकर 99 रुपया में मतलब पूरा कोर्स पढ़ लेना है। तो बचे समय जो आपके पास 1 महीने 25 दिन समय है, इसमें अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को करना, धुरीना पर शाम में 6 से 8 आज फिर आपको कोर्स मिलेगा, और मात्र 99 रुपया में, जिसमें कंप्लीट सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं और धुरीना एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, और हमसे आसानी से वहां तैयारी करिए, और तैयारी करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ के ही, मेहनत करके। और दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, शॉर्टकट रास्ता अपनाइएगा खाई में गिरिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।